नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। कोरोना महामारी से आम लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से द्वितीय चरण के जारी लॉकडाउन के मद्देनजर सोमवार को दूसरे दिन गाइडलाइंस के अनुपालन की दिशा में लापरवाह लोगों के प्रति प्रशासन का रवैया सख्त रहा। दूसरी ओर जहां शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई थी, वह शहर के तकरीबन एक दर्जन से अधिक स्थानों पर नाका चेकिंग के जरिए आवाजाही कर रहे वाहन चालकों को रोक कर उनसे पूछताछ की गई कि वे किस काम से और कहां जा रहे हैं। इधर पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी सड़क पर बगैर किसी काम के या फिर निर्धारित समयावधि के उपरांत आवाजाही कर रहे वाहन चालकों की खैर लेते हुए सख्ती बरतते हुए बतौर 10,000 जुर्माने की राशि वसूल किया। सोमवार को पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न मार्गों सहित चौक चौराहों पर लापरवाह लोगों जो कोरोना की भयावहता को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं के प्रति पुलिस के द्वारा किसी तरह की नरमी नहीं बरती गई। लॉकडाउन के अनुपालन के दौरान अभियान पर निकले SDO सुरेंद्र कुमार अलबेला ने कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक एवं प्रचार प्रसार किए जाने की जानकारी दी। वीडियो में कैमरा भी होता है ना, फोटो कितना होता है। उन्होंने कहा, बावजूद ऐसे तत्व अगर गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं होते हैं तो प्रशासन उससे सख्ती से पेश आएगा। उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के लोगों से 10 बजे के बाद आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी से संबंधित कार्य निपटा लेने की अपील की। साथ ही अगर किसी को कहीं जरूरी कार्य के सिलसिले में जाना हो तो ई पास बनाकर ही बाहर निकले। SDO ने अनुमंडल वासियों से लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील की है।